यस, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की आप लोग अच्छे से जानते हैं, हाइड्रोजन को मेटल्स में नहीं रखा गया, उसको नॉन मेटल में रखा जाता है। बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन मेटल का भी यही काम है कि वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो जनरली मेटल कभी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बट हमारे बहुत सारे मेटल ऐसे हैं जो हाईली रिएक्टिव हैं। तो हमने देखा कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने के बजाय इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, और क्या फॉर्मेशन करेगा, मेटल हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है, जस्ट लाइक दैट। जैसे सोडियम क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में मोर रिएक्टिव मेटल है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक इसी तरह से पोटेशियम भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। कैल्शियम भी हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल में आता है, दैट्स व्हाई मेटल में आता है, दैट्स व्हाई कैल्शियम भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाएगा। सिर्फ यही ऐसे मेटल हैं जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, दैट्स व्हाई ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। अदरवाइज और जितने भी मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कोई भी हाइड्रेट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। बिकॉज हाइड्रोजन की ऑलवेज क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी है, ये बहुत कम होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नेक्स्ट, अब आपका मेटल का जो पार्ट है कंप्लीट हो चुका है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है, मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल में आपको मैं पढ़ाऊंगी केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। हमने देखा नॉन मेटल के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो एसिड ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगी। रिएक्शन में आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगी, अभी पहले आप ये देखिए, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती है, और हम चाहें तो इस एसिड ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिड की फॉर्मेशन करती है। रिपीट कर रही हूँ, नॉन मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाती है, और इस एसिड ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिड फॉर्म करती है। तो इस तरह से नॉन मेटल की ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पेज में आपको रिएक्शन करके बताऊंगी। थैंक यू एवरीवन।